आज हमारी अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन जिला अजमेर की दूसरी मीटिंग प्रतिभा सम्मान समारोह जो हम मुस्लिम समाज का कराते हैं उस संदर्भ में आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें पूरे जिले भर से जो प्रतिनिधि बनाए गए थे वो सभी लोग यहाँ पर आए। और जो मीटिंग थी उसका उद्देश्य था कि 20 नवंबर को मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह एक रखा गया है जिसके अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर 80% जिन लोगों ने बच्चों ने जिन होनहार बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और दूसरा स्नातर और स्नातोत्तर दोनों के लिए 70% एक प्रतिशत रखा गया और उससे अधिक अंक जिसने प्राप्त किए उनको और खेलकूद के अंदर जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में और या नेशनल के अंदर पार्टिसिपेट भी किया हो उन लोगों को हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और जो भी बीटेक वाले हैं और इन सब लोगों को भी 70% उनका रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के बारे में अभी हमारा डिस्कस चल रहा है कि शायद कोई प्रशासनिक या कोई पॉलिटिकल जो मिनिस्टर हो जो भी कौम का जज्बा रखते हैं और जो समाज के सोशल हैं तो जो कमेटी निर्णय लेगी वो अभी कर लेंगे। उसमें भी अगली मीटिंग के अंदर हम तय करेंगे कि भाई किसको लाना है। आज ये कलेक्ट्रेट के पास में जो मस्जिद है उसके बाहर के परिसर के अंदर आज ये मीटिंग रखी गई थी जो मुस्लिम होनहार बच्चे जिनके पूरे ज़िले में जो होनहार बच्चे हैं उन लोगों के लिए हौसला अफजाई के लिए जो प्रोग्राम 20 नवंबर को रखा उसके संदर्भ में आयोजित की गई थी। आरिफ हुसैन सदस्य।